हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो सुबह के 10 बजे हैं और अब से एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद आप लोगों के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इन्हीं 24 घंटे की जर्नी के बारे में है, यानी कि आज सुबह 10 बजे से लेके कल सुबह 10 बजे तक आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बाद इवन कैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, OMR को कैसे आपने फिल करना है, किन किन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ताकि आप गलतियां ना करो। क्लियर, कैसे हर एक चीज को मैनेज करना है, जो 2 घंटे का बीच का गैप है उसको कैसे मैनेज करना है, सी से किन चीजों का ध्यान रखना है, उनके बारे में भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा आज के वीडियो में। लेकिन जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये 24 आवर्स जो है वो हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं क्लियर की जी सर मैंने, मेरे को नींद नहीं आई है। इवन मैं ऐसा कहूँ कि जब हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम लोग भी फेस किया करते थे, लेकिन तब हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था क्योंकि सभी कहते थे पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन ये नहीं बताते थे कि वो कैसे रखे या किन चीज़ों का ध्यान रहे जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा डगमगाए ना, या क्या ऐसा हम चीज़ों को फॉलो करें जिससे जो पॉजिटिविटी है या जो स्ट्रेस है, या पॉजिटिविटी जो है वो हमारे पास रहे और स्ट्रेस वगैरह जो है, एंग्जाइटी वगैरह जो है वो हमसे दूर रहे। तो ध्यान रखिए, ये जो 24 आवर्स दिन में आपने कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और उनके बारे में ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज का जो वीडियो है तो उसमें 5 ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने इस एग्जाम में अपियर होने से पहले या अपियर होने के दौरान ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब लोग आपको यही कह रहे हैं, हैव कॉन्फिडेंस एंड थिंक पॉजिटिव। आसान है कहना, क्लियर, लेकिन कैसे आप लोग जब वो कॉन्फिडेंस रखो तो आप लोगों को, या कैसे आप पॉजिटिव रहो तो उसके लिए आप लोगों को अभी जो 24 घंटे उसमें कुछ ऐसी चीजों को, कुछ ऐसी डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा जो आप लोगों को इस टारगेट को अचीव करने में जो है वो मदद करेगी। क्लियर, सबसे पहली सजेशन मेरी आप सब लोगों को, सबसे पहली सजेशन जो है वो मेरी आप सब लोगों को यही है कि देखिए, आप लोगों ने जब से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल, आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो अच्छी की होगी। आप पिछले कुछ दिनों से ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, अपने रिवीजन के ऊपर स्पेंड कर रहे होंगे। तो अभी जो आपके 24 आवर्स हैं आज से लेके कल तक, आप लोगों ने कोई भी नई चीज रीड नहीं करनी है। मैं तो आपको ये भी सजेशन दूंगा कि अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं उनको आप लोग साइड कर। तो पहली सजेशन मेरी मेरी आप लोगों को ये है, क्योंकि क्या रहता है कि जैसे मैं आपको रीजन भी बताता हूँ, होता क्या है कि जब मान लीजिए मैं कोई किताब हूँ, मैं इसको पढ़ी जा रहा हूँ पढ़ी जा रहा हूँ पढ़ी जा रहा हूँ, रात हो गई 7 8 9 बज गए तब भी मैं पढ़ी जा रहा हूँ पढ़ी जा रहा हूँ, और उसको देख के मेरे को कोई 2 3 फैक्ट्स ऐसे हैं जो मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहे, तो वो मेरे को अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर देगा। और वो स्ट्रेस क्रिएट करने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपका वहां पर डगमगाएगा, कहीं ना कहीं जो है वो कम हो, और हो सकता है कि वो एग्जाम में ना आए, जिसके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो एग्जाम में ना आए, लेकिन वो थोड़ा सा जो एग्जाम में जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे उसके लिए डेट्रीमेंटल होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। तो आप अपनी किताबें नोट्स को साइड कर दीजिए। हाँ, अलग अगर अगर कहीं आपने कोई फैक्ट शीट बनाई हुई है, फैक्ट शीट का मेरा मतलब है जैसे डेज टू रिमेंबर होता है, थीम होता है, इंडेक्सेस होती हैं जिनमें बड़े ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, क्लियर, तो उसको एक बार नजर जरूर मार सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इतनी बार रिवाइज चीजों को किया होगा कि आपको नजर मारने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये अब टाइम है, अब ये जो 24 घंटे है यहाँ पे आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, क्योंकि जितना आप रिलैक्स करोगे उतना आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा, जितना आप रिलैक्स करोगे उतने ही रात को नींद आने की जो है वो संभावना ज्यादा रहेगी, और जितनी अच्छी नींद आएगी उतना ही अच्छा आप कल के जो आपके टेस्ट हैं, क्योंकि देखिए ऐसा भी नहीं है कि 2 ही घंटे का पेपर है, मैं तो ये बोलता हूँ कि आपका जो है वो 8 घंटे का पेपर है। 8 घंटे का पेपर क्यों है, क्योंकि 10 बजे शुरू होगा तो उससे पहले आपको 1 2 घंटा पहले जो वो निकलना पड़ेगा, 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले जो वो अपने सेंटर में पहुंचना पड़ेगा, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होगा, फिर 2 घंटे का आपका सी सेट होगा, तो वो ओवरऑल जो है वो आपका 8 घंटे कल पूरे का पूरा एग्जाम वाला जो फोकस है उसमें आपका चला जाएगा। तो कल का दिन जो है वो थोड़ा सा टायरिंग होने वाला है, तो यही कारण है कि आज के दिन या आज का जो समय है वो है रिलैक्स करने का। वैसे तो हम 2 3 दिन पहले बोलते हैं कि 2 3 दिन पहले सारी चीजों को छोड़ दो और रिलैक्स करो। अब सवाल आता है रिलैक्स करने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग रिलैक्स करने के लिए जिम चले जाते हैं, या बहुत सारे लोग जो है वो कोई एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइजेस जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, किसी भी तरह की जो फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज मेरा मतलब सिंपल सा है कि एक्सेसिव की वेट बहुत ज्यादा उठा दिए, क्लियर, या बहुत ज्यादा जिम कर लिया, वैसे आधा पौना घंटा 1 घंटा करते उस दिन, 2 3 घंटे कर लिया, या वैसे वॉक ही करते उस दिन, या आज जो है वो रनिंग कर ली, इन चीजों को आपने जो है वो अवॉइड करना है। किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस जो है उसको भी आप लोगों ने अपनी बॉडी के ऊपर इम्पोज नहीं करना है। तो आज का दिन रिलैक्स करने का है। यस,
आप मेडिटेट कर सकते हो, आप एक एकांत जगह के ऊपर बैठ सकते हो, अपनी एनर्जीज को इकट्ठा कर सकते हो, क्लियर। अब उस टाइम पे आपने सोचना क्या है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक अलग से कमरे में बैठ के ये सोच रहा हूँ कि वो कल हिस्ट्री से आएगा, पॉलिटिक्स से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, इससे आएगा, उससे वो आएगा, क्लियर, तो वो कहीं रिलैक्स नहीं कर रहे हो आप, वो अपने आप माइंड को जो है वो एक एक्टिव जोन में या एग्जाम के जोन में डाल रहे हो, और वो कहीं ना कहीं अगेन आपको फिर से एक स्ट्रेस वाले जोन में ले जाएगा, क्योंकि आप कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो और आपको शायद वो रिकॉल नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव की खासियत होती है कि चार ऑप्शन हमारे पास आते हैं, तो वहां पे अगर कोई चीज हमने पढ़ी हुई है ढंग से, तो एलिमिनेशन के थ्रू जो है वो बहुत इजीली क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे इन चीजों का रखना पड़ेगा। तो अभी अपना माइंड जो है उसको बस इस चीज के ऊपर ध्यान रखाइए या इसी चीज के ऊपर फोकस करिए कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, या जितनी मेहनत आप कर सकते थे उतनी आपने कर ली हुई है, क्लियर। और कल आप अपना 100% एफर्ट दो, दैट्स इट। चाहे वो 100% एफर्ट में आपके 40 नंबर आ रहे हैं, मतलब एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, चाहे 100% एफर्ट में आपके 140 नंबर आ रहे हैं, मतलब एग्जाम बहुत ज्यादा नंबरों से क्लियर हो रहा है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये सोचिए कि क्योंकि आप अब कुछ नहीं कर सकते, अब आपके पास ये सेम समय नहीं है कि एक दिन में जो कोई ऐसी चीजें पढ़ लो कि वो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। ये हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं है कि पिछले दिन पढ़ो, जो सेट पैटर्न है क्वेश्चन है वही आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नो डाउट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, बट ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, क्लियर। तो उसको भी कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहली चीज, आपने किताबों को साइड कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी तरह की एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मत करिए। नॉर्मली वॉक वगैरह कर लीजिए, अपने घर वालों से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि दोस्तों और घर वालों से बात करो तो पूरा दिन ही बातें करते रहे, तो उससे भी आपने थोड़ा सा रिलैक्स जोन में रहना है, रेस्ट करिए। कोई ऐसी किताब है या कुछ ऐसे ना नोबल वगैरह पढ़ने का आपको शौक है, अखबार पढ़ने का शौक है, तो उसको जो है वो एक बार नजर जरूर मार लीजिए। लेकिन एग्जाम से मतलब कहानी क्या होती है कि स्ट्रेस को रिमूव करना है, तो हमें उस चीज से जो हमें टेंशन दे सकती है उससे थोड़ा सा हमने अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। सिंपल यहाँ पे एक फिलोसफी है, क्लियर। तो दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने फिजिकल चीजों को या एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो आपका है ईटिंग हैबिट, दैट इज योर फूड। देखिए वैसे तो हर एक इंसान का अधिकार है, वो जो भी खाना चाहे वो खा सकता है, जो भी वो पीना चाहे वो पी सकता है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, इवन जो सी सेट और जीएस के बीच का जो गैप होगा उसमें भी आपने बिल्कुल बेसिक या सात्विक खाना जिसको हम कहते हैं वही कंज्यूम करना है। नॉन वेज को अवॉइड करना है, किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट जो आपने कंज्यूम नहीं करना है, क्लियर। हर चीज को अवॉइड करिए। सिंपल जो घर का खाना जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो तेल वगैरह ना हो, सिंपल सा खाना जो है वो आप लोग कंज्यूम करिए, सुबह भी, दोपहर को भी, और रात को तो स्ट्रिक्टली, क्लियर। एक्सेसिव ईटिंग एंड उसके साथ साथ अनहेल्दी ईटिंग से अवॉइड करिए। आप लोगों को बहुत सारी चीजें पसंद हो सकती हैं, सैटरडे भी है, क्लियर, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसको वहां पे सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं, क्लियर। तो एक छोटा सा सेक्रीफाइस है वो भी एक दिन का, कि आपने किसी भी तरह का जो आपका खाना है या जो हैवी फूड है, तला हुआ खाना है या नॉन वेजिटेरियन है स्पेसिफिकली, उसको आप लोग जो है वो अभी अवॉइड करिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी लाइट रहे, क्योंकि अगर बॉडी लाइट रहेगी तो दिमाग अपने आप ही हल्का होगा, क्लियर। तो इन तीन चीजों के ऊपर आपने सबसे पहले जो है वो फोकस करना है। अगर आप इन तीन चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो बहुत लाजमी है कि आप पॉजिटिव भी फील करोगे, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, जो डेली एक्टिविटी थी एग्जाम से रिलेटेड एक्टिविटी थी उससे अपने आप को थोड़ा सा साइड कर दिया, क्लियर। उसके साथ साथ जो आपने एक ऐसा खाना कंज्यूम किया जो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस कॉज नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग हैवी वगैरह कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस जो है उसको जरूर लीड करता है, और वो अल्टीमेटली जो एंजाइटी में कन्वर्ट होने की संभावना रहती है। जितना ज्यादा हो सकता है पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, अपने आप को बिल्कुल ईजी रखिए। अगर मान लीजिए आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हिमाचल में हम सब लोगों को पता है कि काफी ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, मैं तो आप लोगों को स्ट्रिक्टली सजेशन दूंगा कि आप लोग जहां से भी हो, चाहे आपके घर से अगर मान लीजिए आधा पौना घंटे से ज्यादा का डिस्टेंस है, मान लीजिए एक घंटे से ज्यादा का डिस्टेंस है, तो वहां पे जो आपका नियर बाई एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास कोई रिश्तेदार, दोस्त, भाई, बंधु, होटल कुछ भी है, अब वहां पे चुपचाप चले जाइए। क्योंकि ध्यान रखो कि ये जो सारी जो टेंशन्स हैं, एंजाइटीज हैं, इनके मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि मेरे को पता है मेरे घर में प्रिंटर पड़ा हुआ है और मैंने सोचा यार कि सुबह निकाल लूंगा प्रिंट आउट, जो तुम में से बैठे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे, तो पहले चुपचाप अपना प्रिंट आउट जो है, जो आपका एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि आपको कल नहीं पता है कि कल हो सकता है आपके प्रिंटर की इंक खत्म हो जाए, कल हो सकता है
उसमें पेज ना हो, कल हो सकता है कि लाइट ही ना हो, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आपने छोटी छोटी चीजें जो है उनका ध्यान रखना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको इस टाइम पे अगर वो डगमगाएगा तो उसका कोई छोटा सा फैक्टर भी उसको ट्रिगर कर सकता है। क्लियर? तो आपने हर छोटा छोटा पहलू जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो खाने से लेके पीने से लेके, क्लियर, हर चीज जो है या जो भी चीजें हम लोगों के इस एग्जाम के लिए आवश्यक है, हमने उनके ऊपर जो है वो फोकस करना है। तो पहली सजेशन मेरी सब लोगों को यही है कि आप हमेशा, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, ध्यान रखिए हम लोग अपने आसपास बहुत सारे गलत काम होते हुए देखते हैं, हम लोगों को अपने आसपास बहुत गलत काम होते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी हम सुबह उठते हैं तब हम ये नहीं सोचते हैं कि जो गलत बाहर किसी के साथ या हमने देखा है या सुना है वो हमारे साथ भी होगा। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हम लोग इसीलिए सर्वाइव करते हैं कि हर जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, हम हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल दिन है, क्लियर, ये भी एक जो है वो आप सब लोगों के लिए बाकी दिनों की तरह ही दिन है, जहां पे आप बस ये सोचिए कि आपने जो मेहनत की है आप उसके अकॉर्डिंगली 100% जो है वो वहां पे अचीव करके आओगे। इसके अलावा लेफ्ट राइट ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। नया मत पढ़िए, नया पढ़ोगे पुराना भी भूलने के चांसेस हो जाएंगे और स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी कि हो यार ये तो मेरे को आता नहीं था, ये तो पेपर में आया हुआ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दोस्त ने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या तूने पढ़ा, अच्छा ये 10 क्वेश्चन आए थे इनमें से 8 क्वेश्चन हो गए, 2 नहीं हुए, उन 2 की टेंशन ले ली कि हो यार ये नहीं हो रहे हैं, क्लियर। तो इन सारी चीजों को छोड़ दो, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, बस अब टाइम है रिलैक्स करने का, क्लियर, आराम करने का, दोपहर को बहुत ज्यादा देर तक सो मत, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी, क्लियर। रिलैक्स करो अपनी बॉडी और माइंड को, जो बिल्कुल फ्री छोड़ दो, घूमो फिरो, रिलैक्स करो, अपना लेटे रहो, सुनते रहो, म्यूजिक सुनो, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके शौक है, अदर देन एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज, इसके अलावा सारी चीजें जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहली सजेशन मेरी आप सब लोगों को यही है, हैव कॉन्फिडेंस एंड बी पॉजिटिव, क्लियर, क्योंकि ये हम लोगों का कर्तव्य भी है और इंसान को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव चीजों के साथ आगे बढ़ने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो चीज आपको इन चीजों से डगमगा सकती है, मैं साथ साथ आपको उनके बारे में भी बता रहा हूं, ध्यान रखना ये पहला पॉइंट है, लेकिन जितने भी पॉइंट मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक पॉइंट जो है वो आपके कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड को जो वो शैटर कर सकता है, हिला सकता है। तो आपने पांचों के पांचों पॉइंट जो हैं उनके ऊपर पूरा फोकस रखना है। पहली चीज जो बेसिक आपने 24 घंटे में क्या करना है, क्लियर। तो ध्यान रखिए सेंटर थोड़ा सा भी दूर है आज ही वहां पे चले जाइए, क्लियर, और इस चीज को फॉलो करिए, मजे से जाइए, हेडफोन्स लगाइए, कोई पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप फैक्ट शीट को अगर नजर नजर माने तो आधा पौना घंटा जरूर मार लो, क्लियर, लेकिन बाकी सब चीजों को साइड कर दो और ऐसा रखो कि आपका एक नॉर्मल दिन है। कल भूल मत जाना कि कल पेपर है, वो तो ध्यान ही रखना है, लेकिन बाकी चीजें ऐसे जियो कि आज कुछ नहीं है, नॉर्मल कुछ, क्लियर, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट बेसिक थिंग्स फर्स्ट, कि जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं अभी रख लो उनको, आज का दिन वैसे अभी तक होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा मैनेज, लेकिन कुछ होते हैं हमारे तरह महानुभाव जो नहीं की करते हैं ऐसी चीजें, तो सारी की सारी चीजें अभी जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे है उसमें अपने पास रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोगों का एडमिट कार्ड। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एडमिट कार्ड तो कर लिया होगा डाउनलोड, या कुछ लोगों ने आज करना होगा, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक अपनी फोटो चिपकानी है, तो पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए, और उस पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर जो वो अपने सेल्फ अटेस्टमेंट कर देनी है। तो पहली चीज आप लोगों के पास ये होनी चाहिए। दूसरी, उस एडमिट कार्ड में अपना सेंटर शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा, उस सेंटर को ध्यान से देखो, क्या आप उस स्कूल या कॉलेज में पहले गए हो, अगर आप नहीं गए हो तो आज टहलते टहलते वहां पे जा आओ, देखाओ कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ पे है। अगर आपको पता है कि वो कहाँ पे है फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका एडमिट कार्ड है, उसको अभी अपने पास रख लो, ये मत सोचो कि कल मैं निकालूंगा, मैंने आपको बताया कल कुछ भी हो सकता है, तो आज आपके पास अभी सब कुछ चीजें होनी चाहिए। दूसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पेन, पेन या पेंसिल। देखिए पेन और पेंसिल के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं, वैसे तो हम अपने एग्जाम में जब भी मार्क करते हैं तो या तो ब्लैक कलर का जो हमारा बॉल पेन होता है या ब्लू कलर का हमारा बॉल पेन होता है, उनमें से दोनों में से कोई भी कलर के बॉल पेन जो है आप लोग यूज कर सकते हो, मेन जो है वो हमारा OMR शीट के लिए यूज होता है। पेंसिल जो है वो आप इसलिए कैरी करो क्योंकि देखिए GS में तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, GS में तो ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि जनरल स्टडीज में तो 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें लिखना वगैरह आपने कोई सॉल्व सूल कोई है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा इजी रहता है, तो वहां पे तो पेन से भी काम चल जाता है। लेकिन जब मैं CSAT की बात करता हूं तो देखिए CSAT में क्या है,
सी सेट में देखिए बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारी सी सेट जो है उसके इसकी जो है वो पूरी की पूरी हमारी आंसर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, क्लियर। एंड में रफ पेजेस दिए होते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं रफ पेज को देखते हैं और उस फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं रफ पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं, तो उसमें उनके कुछ सेकंड तो वेस्ट हो रहे हैं, कुछ टाइम तो उनका जा रहा है, क्लियर। तो हमेशा जो भी सी सेट वगैरह के आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर वन है तो यही पे उसको सॉल्व करो, तो अगर पेंसिल वगैरह जो है वो आप लोगों के पास होगी तो वहां पे सॉल्व करना और मिटाना जो है उसको थोड़ा सा ईजी होगा, क्लियर। तो कोशिश करो कि आप क्वेश्चन के सामने ही उसको अटेम्प्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो नहीं भी किसी के काम आएगा, उससे कोई किसी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके काम आना चाहिए, और आपके काम आने का मतलब है कि आपने मिनिमम टाइम जो है वो अपना वेस्ट करना है किसी भी चीज के ऊपर। इवन जीएस के भी कभी कभी क्वेश्चन जो है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जीएस के मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को देखने को मिले थे, तो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन का मतलब है कि आपको जहां पे देखिए हिमाचल जीके के पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन ऑप्शन ए बी सी डी, एक टिक आ गया, दूसरा टिक आ गया, तीसरा आ गया, क्लियर। अब जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गए कि आपको चार पांच फैक्ट्स पता होने चाहिए, तो यानी कि जो पहले यानी कि पिछले से उसके पीछे जितने भी पेपर हुआ करते थे, जब हम हिमाचल का जितना टाइम चार क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाते थे, पिछली बार जब पेपर हुआ था तो उतना टाइम हम लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाया था, तो जीएस का पेपर जो है वो भी लेंथी हो सकता है। तो अपने साथ साथ जो है वो अपनी पेंसिल वगैरह को जो वो प्रॉपरली यूज करना है, क्लियर। पेन जो है ब्लैक और ब्लू पेन जो है वो आप लोगों ने हमेशा अपने पास रखना है। मैं तो ये कहूंगा कि दो ब्लू पेन रख लो, दो ब्लैक पेन रख लो, ताकि आप किसी और के काम भी आ सको, क्योंकि पक्का कोई ना कोई होगा आपके सेंटर पर जिसको पता ही नहीं होगा किस तरह के पेन या जो ब्लू पेन है ब्लैक पेन उनकी भी जरूरत है, वो एक पेन लेके आया होगा और वो चलता नहीं होगा, तो दूसरे की मदद जरूर करो, क्लियर। क्योंकि ये हम सब लोगों का एक जो है वो ट्रेट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम दूसरों की मदद तभी कर पाओगे जब अपने पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लेके चलोगे, तो एक्स्ट्रा पेन एक्स्ट्रा पेंसिल हमेशा जो है वो अपने साथ कैरी करो, चाहे दूसरों की मदद आए वो चलिए वो सेकेंडरी है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा अगर एक पेन बंद हो जाता है तो दूसरे पेन को जो है वो तुम लोग यूज कर सकते हो। तो दूसरी चीज जो है वो अपने आपके पास होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, पानी की बोतल रख लो, क्लियर। कोविड से पहले तो बड़ा डिफरेंट टाइम था, कोविड से पहले तो पानी भी पिला दिया जाता था वहां पे ही, क्लियर। और मेरे को लगता है शायद अभी भी होगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली वो नहीं होगा, क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो अपनी पानी की बोतल वहां पे रखो। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है वो ध्यान रखना है कि जो फोन वगैरह मोबाइल वगैरह जो भी आप गैजेट्स वगैरह लेके जाओगे उनको बाहर ही या जो भी आपके साथ होंगे, या मैं आपको ये भी कहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी में गया है, कोई व्हीकल में गया है और कोई बेचारा अकेला ही आया हुआ है, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो आप एक दूसरे की मदद जरूर करिए, एक दूसरे की हेल्प जो है वो जरूर करिए इस समय में, क्लियर। क्योंकि हम सब लोगों को जो है वो कोऑपरेशन अल्टीमेटली जो है एक दूसरे के साथ करना चाहिए। तो बेसिकली आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह इनको मत लेके जाना, नॉर्मल वॉच जो है वो उसको लेके चले जाना, क्लियर है। कहीं क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, किसी भी तरह की स्मार्ट डिवाइसेज जो हैं वो आपके पास नहीं होनी चाहिए, ना ब्लूटूथ होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ना लगाओ, जैसे मान लो मैंने घड़ी डाल ली, मैं इसको लेके चला गया, लेकिन दिस इज स्मार्ट वॉच, क्लियर, ये आपने नहीं डालनी है, सब बाहर रखो, क्लियर। वैसे तो आपसे खुलवा ही देंगे वो लोग, लेकिन आपने भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कॉशन रखना है कि आपने हर चीज जो है उसको ध्यान में रखना है। एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, पानी की बॉटल होगी, क्लियर। उसके साथ साथ सेंटर आपने देख लिया कहाँ पे है, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लो, या मान लो कभी कभी हिमाचल में ऐसा भी होता है कि पूछ लेते हैं हम लोग फोन पे, अच्छा ये वाला स्कूल है कहाँ पे, तो कोई बता देते हैं, अच्छा यहाँ से जाना है, फिर आपको लगता है कि ठीक है जी रीचेबल है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पर आप लोगों को इन सारी की सारी चीजों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मेरे को याद है एक बार जनवरी फरवरी में जो है वो हमारा मेंस का पेपर हो रहा था, तो वहाँ पे पोर्टमोर एक स्कूल है शिमला में, तब वहाँ पे भी सेंटर हुआ करता था उस टाइम पे, तो जिस दिन पेपर था उस दिन बर्फ पड़ गई, बहुत हैवी रेनफॉल होगी, और मतलब मेरे को पता नहीं था कि वो स्कूल कहाँ पे, और बर्फ होगी तो आपको पता ही है कि शिमला में अब तो चलिए ऐसा टाइम नहीं है, ऐसा वेदर नहीं है, लेकिन ऐसे में एक कहानी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि वहां से मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि आपको पहले ही जाके पता होना चाहिए कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ पे है, ताकि कुछ भी आपदा आए, बारिश हो जाए, बस ना आए, क्योंकि संडे का टाइम है, क्लियर, तो आप लोग वहां पे बहुत इजीली पहुंच सको, पहले ही मैनेज कर लो। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, जैसे मैंने आपको शायद एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि एक बार यहाँ पे प्रीलिम्स पेपर हो रहा था सोलन के अंदर, और बीच में जो शायद ब्लास्टिंग ब्लूस्टिंग हो रही थी, रास्ता बंद था, बहुत सारे लोग जो है वो उस पेपर देने के लिए जो सोलन है वहां पे पहुंच नहीं पाए थे, क्लियर। तो हमने हर चीज जो है उसको मिनिमाइज करना है। अब आप समझो मैंने आपको कहा था कि जो पहला पॉइंट था कि कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी, क्लियर, उसमें कोई भी एक छोटा सा फैक्टर जो है वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। एडमिट कार्ड नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, पेंसिल तो चलो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्लैक पेन और ब्लू पेन नहीं है,
वहां पे प्यास लगी है, पानी पीने के लिए होना चाहिए, क्लियर। ब्रेक के बीच में वैसे तो नॉर्मली स्कूल और कॉलेजेस के आसपास कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन आपने वहां पे जो है वो ध्यान रखना है कि खाना खुना जो वो लाइट ही खाना खाना है, क्योंकि सी सेट का पेपर जो है वो काफी ट्रिकी हो सकता है और ज्यादा दिमाग और ज्यादा कैलकुलेशन, और जहां एक ऐसा पेपर जहां पे आपको लगता है कि पता नहीं 2 घंटे जो वो कैसे खत्म हो गए, वो सी सेट का पेपर रहेगा। तो सी सेट से पहले भी आपने ध्यान रखना है, पिछली बार बहुत सारे लोग जो है वो सी सेट में भी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। आपने सी सेट को बड़ी कामनेस के साथ, बड़ी प्लानिंग, बड़ी स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमने सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है, उसका हमारी जो मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने हर तरह का जो बिहेवियर, हर तरह की छोटी छोटी चीज, अगर बेटर हो तो घर से जो वो खाना ले जाइए, बिल्कुल लाइट को परांठे नहीं पैक कर लेना वहां जाके, दोपहर को परांठे खा लिए और उसके बाद सर घूम रहा है तुम्हारा, क्लियर। बिल्कुल फ्रूट्स खा लीजिए, सैंडविचेस खा लीजिए, जो भी आपका या हमारा जो घर का बेसिक चपाती जो भी सब्जी होती है उसको कंज्यूम करिए, सिंपल रखिए अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन। लेकिन हाँ, आपने सोचना है कि कल आपको पानी की जरूरत भी है, कल आपने खाना भी खाना है, उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर ग्लूकोज वगैरह जो है वो भी ले सकते हो जस्ट फॉर एनर्जी, तो आप वो भी उसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो भी पानी के अंदर जो है वो डाल सकते हो, क्लियर। बस ये है कि आपने अगेन अपने आप जो दिमाग और अपना शरीर दोनों को फोकस में रखना है, क्योंकि अब टाइम वही है कि जो आपने मेहनत की हुई है उसको आपने 100% जो है वो एग्जीक्यूट करना है कल वाले दिन में, क्लियर। तो दूसरी चीज की जो आपकी बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा जो वो रिलैक्स थोड़ा ना बिल्कुल जो कम्फर्ट जो आपके क्लोथिंग वगैरह भी है वो भी थोड़ा कंफर्टेबल रखिए, इजी रखिए, कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो आपको जो है वो अनकंफर्टेबल करे, हर चीज आपकी इजी होनी चाहिए। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए आपका, मान के लीजिए आपका सुबह 10 बजे पेपर है, क्लियर, तो 8:30 तक वहां पे पहुंच जाइए, 8:30 तक पहुंच जाइए। ऐसा नहीं कि 9:30 भागे हुए हो वहां पे हाँ रहे हो और फिर जाके जो है वो वहां बहस कर रहे हो किसी के साथ, आराम से पहुंच जाइए। एक दूसरे के साथ गॉसिपिंग मत करिए कि जी ओहो अच्छा तेरे को ये पता है, तेरे को ये पता है, तेरे को वो पता है, इन चीजों को अवॉइड करो, अपना रिलैक्स रहो, कोई दोस्त मिल गया उससे बातें करो, स्कूल की बातें करो, कॉलेज की बातें करो, उसके बारे में पूछो, वो तुम्हारे बारे में पूछेगा, कुछ और बातें करो, क्लियर। ये डिस्कशन मत करो कि अच्छा ये इसका डेट कौन सा है, इसका ईयर कौन सा है। अगेन हमने हर पॉइंट पे, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं, सब खुश होके जाते हैं, और जैसे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करते हैं कोई ऐसी चीज है जो ट्रिगर कर देती है जिससे हमें लगता है शायद मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो हमने हर चीज से अपने आप को जो है वो एक तरह से प्रोटेक्ट करना है, और बहुत लोग होंगे मिलते भी हैं और लाजमी भी है, देखिए ये बेसिक ह्यूमन नेचर है जहां पे हम लोगों को हमेशा लगता है कि हम कम टाइम में हमें मतलब हमें हर चीज आ जानी चाहिए, मेरे को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, तो हम ना एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी पढ़ते रहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करो, बस अपना जो रिलैक्स वाला मूड आपने आज ऑन किया हो उसको आपने, जब तक आप पेपर आपके हाथ में नहीं आएगा तब तक आपने बिल्कुल अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, फिर पेपर डिसाइड करेगा फिर आपने कैसे रिएक्ट करना है उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूं, क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि जैसे खाना पीना तो मैंने आपको बता दिया कि जो स्लीप है, जो नींद है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को अच्छी नींद आज नहीं आएगी, चांसेस बहुत कम है, क्लियर। कि मतलब जैसे आप 6-7 घंटे सोचते हो तो आज सोते हो तो आपने आज जो है वो 4-5 घंटे ही नींद आएगी। तो ध्यान रखो जब आप बेड पे जाओगे वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि उसके बाद आपका नींद का पैटर्न जो है वो कैसा होगा। तो जैसे आंखें बंद करोगे तो एग्जाम को शट करने की जो वो कोशिश करनी है, बट एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि कल पेपर भी है, अलार्म वगैरह लगा देना अगर कोई साथ में नहीं रहता है तो कोई ना कोई आपको उठा देगा, क्लियर। छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कभी कभी ऐसा होगा कि इतने रिलैक्स हो गए कि इतनी नींद, गहरी नींद आ गई जो कभी आई नहीं थी क्योंकि थके हुए उतने टाइम से पढ़ते पढ़ते, और अगले दिन जो वो चीजें मिस करें, तो नींद जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगी आपकी, लेकिन आपने फिर भी जो है मिनिमम 5-6 घंटे जो वो सोने की कोशिश करनी है। अच्छी नींद 8 घंटे की मानी जाती है, लेकिन 5-6 घंटे जो आप सो लीजिए जो भी आपका पैटर्न है। लेकिन काफी लोग जो 12-1-2 बजे सोते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर वो 2 बजे सो रहे हैं तो उनको नींद आने के चांसेस कम है, तो वो 12-1 बजे के आसपास कोशिश करिए कि 12 से लेके एटलीस्ट 5-6 बजे तक का जो टाइम है उसके बीच में अपनी नींद को कंप्लीट कर लीजिए। जो जल्दी सोते हैं वो जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी 5-6 घंटे की नींद जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। और जो नींद है उसके आने में जो पूरे दिन की मैं प्रक्रिया आप लोगों को बता रहा हूँ, खाना पीना रिलैक्स है ना, सारी चीजें जो है ये बहुत ज्यादा मायने या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेंगे। अगर पूरा दिन हम स्ट्रेस में रहेंगे, राम शाम को 8-9-10 बजे तक पढ़ते रहेंगे और ज्यादा नए नए फैक्ट्स को मेमोराइज करेंगे तो नींद आने के, फिर तो भूल जाओगे, आपको नींद आएगी। अगर नींद नहीं आएगी तो अगले दिन कहीं ना कहीं जो है वो फोकस कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और अगर फोकस या कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोग थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, वो शट एंड अपने आप को ओपन बहुत ईजिली कर देते हैं, शायद उनके लिए जो वो ये सजेशन नहीं है, लेकिन ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, ये मैक्सिमम लोगों के लिए दे रहा हूँ कि आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो हमेशा ध्यान रखना होता है। सुबह बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट,
लाइट लंच मतलब जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता तब तक आपने हर चीज को हल्का रखना है, अदर देन अटेम्प्टिंग योर पेपर, वो सॉलिड होना चाहिए, क्लियर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जहां पे आपने छोटी छोटी चीजों को जो आपकी बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है, अपने पास जरूर रिस्ट वॉच जरूर ले लीजिए, अगर आप नहीं अगर आपके पास रिस्ट वॉच वगैरह है क्योंकि आजकल फोन फोन का जमाना है तो आप किसी से ले लीजिए, अपने पिताजी से ले लीजिए ताकि आपको पता टाइम का जो है साथ साथ पता लगता रहे, और आप जो इन्विजिलेटर उससे ना पूछो कि जी सर बताइए जरा टाइम क्या है, तो वॉच रखिए अपने पास, पेन पेंसिल पानी सब चीजें जो बेसिक हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो हम लोगों के लिए जरूरी होती है उनको अपने साथ जो है वो आप लोग रखिए। दूसरी चीज समझ आ गई, क्लियर। अब आते हैं तीसरी, हाउ टू अटेम्प्ट योर प्रीलिम्स पेपर। अब देखिए जो पूरी आपकी जर्नी है 10 बजे तक की वो तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली, जो 10 बजे तक की जर्नी है वो तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अब है मेन काम कि अब आप लोग क्या करोगे। तो जैसे 10 से 12 आप सब लोगों का जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, सॉरी आपका जीएस का पेपर है, उसके बाद 2 घंटे का गैप है, और 2 से 4 तक जो है वो आपका सी सेट का पेपर है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो पता ही आप लोगों को, बस मैं ये बताऊंगा कि आपने ध्यान किन किन चीजों का रखना है। पहला सोच के जो आपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करना है या जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे आपने ध्यान रखना है कि आप ह्यूमन एरर नहीं करोगे, एक भी नहीं करोगे। लोग कहते हैं 1-2 हो सकते हैं, मैं कहूंगा एक भी नहीं करना है तुमने, एक भी ह्यूमन एरर नहीं करोगे। ह्यूमन एरर का मतलब क्या है? ह्यूमन एरर का मतलब है कि मान लो ना क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर तुमने बी लिखा हुआ, तुम्हें पता है कि बी है, लेकिन जब ओएमआर के अंदर मार्क कर रहे हो तो वहां पे सी मार्क कर दिया। ये सबसे स्टूपिड एरर होते हैं और ये नहीं करने तुम लोगों को, होते हैं लेकिन तुमने नहीं करने है। ये कैसे नहीं होंगे? जब हम पहले सोच के जाएंगे कि मैं पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और पूरे फोकस के साथ ओएमआर के ऊपर जो है वो मार्क करूंगा, तो आप ह्यूमन एरर ये वाला तो एटलीस्ट निकाल ही दोगे, ये तो नहीं होगी आपसे गलती, पहली बात। दूसरी बात, ह्यूमन एरर यही नहीं है, ह्यूमन एरर ये भी है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब ज्यादा तैयारी की होती है मेहनत की होती है तो आप लोग ना एक्सपेक्ट करते हो, आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि ये क्वेश्चन आएगा, और जैसे आपको वो क्वेश्चन दिखता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो, तो आप पूरी दुनिया को पता है, पूरे हिमाचल को पता है कि जी वैसे तो हरियाणा में होता है जी ये, है ना, जब हम 2011 सेंसस की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमने देखा ओह इसका आंसर तो हरियाणा है, और 4 ऑप्शन में हरियाणा था, फटाफट टिक कर दिया हरियाणा और टिक कर दिया, लेकिन वहां भूल गए कि वहां पे स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी हैं और कुछ यूनियन टेरिटरी का जो सेक्स रेशियो हरियाणा से कम है। समझ आई कहानी की नहीं? ये भी ह्यूमन एरर है, यानी कि आपने इतने ओवर कॉन्फिडेंस में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि आपको लगा यार ये तो सही है, लेकिन आपने उसको गलत कर दिया। क्योंकि जब आप अपनी स्ट्रेंथ या जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट या जो इजी क्वेश्चन है जब आप उनको गलत करते हो तो आप धीरे धीरे अपने आप को इस गेम से बाहर कर रहे होते हो। फिर बहुत मुश्किल क्वेश्चन शायद आपका ठीक हुआ होगा, लेकिन ये जो आपने गलत किया है ये ऑलमोस्ट जो थोड़ा सीरियस कैंडिडेट होगा उसने इसको बिल्कुल सही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और सॉल्व किया होगा। यही फर्क रह जाता है 2-4, 5-5, 6-6 नंबर से जो कट ऑफ में फ्लक्चुएशन आती है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं लेकिन वो उनसे प्री नहीं क्लियर हो रहा। रीजन उसका क्या है? ये ह्यूमन एरर, ये वो वाकई सर पकड़ लेते कि वो मैंने बी टिक कर दिया, मैंने क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ा, या वहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है और पढ़ लिया करेक्ट और उसके अकॉर्डिंगली आंसर मार्क कर दिया। ध्यान रखिए एग्जामिनर को भी पता होता है कि आप कहां कहां गलती कर सकते हो, तो उसने नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंगली भी आंसर डाला होगा और करेक्ट के अकॉर्डिंगली भी आंसर डाला होगा। तो आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी चीजों को लेफ्ट राइट किया तो आप ह्यूमन एरर कर दोगे, और ह्यूमन एरर जो है वो नॉर्मली एवरेज देखी जाती है। लोग 4 से 5 क्वेश्चन ह्यूमन एरर के अकॉर्डिंगली करते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है कि जितने नंबर वो लेके आते हैं उनमें से 10 तो माइनस करते करते हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव भी ले जाते हैं जो उनके सही क्वेश्चन होते हैं। तो आपने ह्यूमन एरर सोच के जाना है वहां अंदर कि आप ह्यूमन एरर नहीं करोगे। दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व करते हुए, एक तो ह्यूमन एरर नहीं करना है, दूसरी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर होप इजिली लूज नहीं करनी है। क्या होता है कि कभी कभी हम क्वेश्चन को देखते हैं और हमें डर लग जाता है, यार ये तो जैसे है ना कि क्वेश्चन हमने रीड किया हमें पता ही नहीं उसके बारे में, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल 1 स्टेटमेंट है 2 है 3 है 4 है, मैंने क्वेश्चन को रीड किया मेरे को पहली स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, दूसरी स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तीसरी स्टेटमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो मेरे को लगता है कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, मेरे को लगता है कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आता है। आपने इस क्वेश्चन के ऊपर अपनी होप लूज कर दी कि ये नहीं करता जी मैं, क्लियर। और जो 4th स्टेटमेंट थी उसके बारे में आपको पता था
और जो ऑप्शन है उसमें जो चार है वो सिर्फ एक ही जगह पे दिया हुआ है, जिसके बारे में आप श्योर हो कि चार जो है वो सही है, और तीन ऑप्शंस है उनमें से फोर जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑब्वियस ही बात है वो आंसर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आपको इस बारे में तो आप लोग क्या हो, श्योर हो। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसपे आप अपनी होप को लूज करोगे आपने, और ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन को इस होप से करोगे कि मैंने करना ही करना है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये है, इसमें मान लो चारों की चारों स्टेटमेंट आपको नहीं आती हैं, तो इस क्वेश्चन को आपने क्रॉस कर देना है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, तीसरी सजेशन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, 0% श्योर हो और 100% गेस कर रहे हो कि चलो जी भगवान का नाम ले लेते हैं, जय हो, ये जो ठीक है जी, ये आपने नहीं करना है। इन क्वेश्चनों को तो कांटा मार देना, इन क्वेश्चन ऐसी गलती मत करके आना कभी भी। नो डाउट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा डाउट होता है, थोड़ा श्योरिटी होती है, उनको फिर भी अजीब अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, लेकिन जो कम्प्लीटली, जैसे मान लो कोई एक ऐसी टर्म है, कोई ऐसा वर्ड है जो मान लो हिस्ट्री का वर्ड है, या मान लो कोई रीसेंट करंट अफेयर का शब्द है जो यूज हो रहा है और आपने कभी नहीं सुना उसके बारे में, तो ऑब्वियस बात है आप उसको कभी नहीं कर पाओगे। तो चार चीजें आपके लिए नहीं होंगी, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल साइड कर दो, उसको आपने अटेम्प्ट नहीं करना है। समझ आई कहानी की नहीं आई? क्लियर? ये तीसरी सजेशन मेरी आप सब लोगों को है। अब अगला जो सवाल तुम लोगों का मैक्सिमम पूछने को मिलता है कि जी फिर बताइए कि मिनिमम कितने क्वेश्चन जो है वो हम लोग अटेम्प्ट करें। अब इसका जवाब क्या होता है? इसका जवाब होता है कि जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने आपने अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इसका एक काउंटर पॉइंट ये है कि सर अगर मेरे को 40 ही क्वेश्चन आते हैं तो क्या मैं 40 ही अटेम्प्ट करूं, क्योंकि मेरे को तो 40 ही आते हैं 100% श्योरिटी के साथ। तो अगर आप 40 अटेम्प्ट करोगे और सारे के सारे भी सही होंगे तो नंबर तो 80 आएंगे ना। तो पिछले कुछ सालों में देखेंगे हम लोग तो 80 तो कट ऑफ नहीं गई है, कट ऑफ कम से कम 100 के आसपास तो जाती है, हो सकता है जैसे यूपीएससी में कभी 116 भी जाती थी, आजकल जो है वो 90 और 95 के बीच में जा रही है। क्लियर? तो कट ऑफ कम आ सकती है, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन आप लोगों ने इतना कम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करना है, आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी प्लानिंग या स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमारी पिछले जो कुछ साल होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। हाँ, अगर कोई ऐसा कहे कि जी सर मेरे को 60 क्वेश्चन जो है वो मैं श्योर हूं, तो क्या मेरे को 60 ही क्वेश्चन करने चाहिए, फिर मैं कह दूंगा कि हाँ बिल्कुल, अगर 60 में आप 100% श्योर हो फिर ज्यादा गैस वर्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 120 जो है एक डिसेंट स्कोर कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है इन पेपरों में 60 क्वेश्चन भी परफेक्टली, मतलब 100% कॉन्फिडेंस के साथ, लोगों के 140-140 नंबर जरूर आते हैं लेकिन 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये सही ही है, ये बड़ा मुश्किल है इस स्पेसिफिक नंबर को अचीव करना। अगर ऐसा है, अगर 60 तुम 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि फिर तुम्हारी जो है वो प्रिपरेशन है तो बहुत अच्छी है, और पेपर जो है वो साथ में बहुत ज्यादा आसान पूछा गया है, तो वहां पे तुम थोड़ा सा नंबर जो है उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। लेकिन दो स्टूडेंट्स जो कह रहा है कि 40 करने हैं 60 करने हैं, तो 40 वाले को तो मैं मना करूंगा, यानी कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, ये तो यथार्थ है, ये तो सच्चाई है। क्लियर? तो सवाल आएगा कि जी हम कैसे डिसाइड करें, हम लोग कैसे डिसाइड करें कि हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर होगा तो आपकी जो अटेम्प्ट है वो 60-70 के बीच में होनी चाहिए, और अगर इजी पेपर है तो आपकी जो अटेम्प्ट है वो 70-80 या 70-85 के बीच में होनी चाहिए। अब सवाल आएगा, डिफिकल्ट और इजी तो बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। डिफिकल्ट और इजी का मतलब क्या होता है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिन टॉपिक्स के ऊपर आज तक सवाल पूछे गए हैं, या जो नॉर्मल हमारी बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है ना, जो भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, नॉर्मल नोट्स हमारे हैं, तो अगर उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब हो सकता है कईयों ने पढ़े हो कईयों ने ना पढ़े हो, लेकिन हम लोग इजी किसको कहेंगे कि जो नॉर्मल रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा हुआ करंट अफेयर है, अगर उसके ऊपर सवाल आएगा तो हम कहेंगे उसको कि वो इजी है। तो वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट थोड़े से ज्यादा करने जो है वो आप लोगों को पढ़ते हैं, और आप लोग वैसे भी ज्यादा करीब हो गए, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे या थोड़ा आसान पेपर होगा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में ऑटोमेटिक सी बात है आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर है, अनयूजुअल क्वेश्चंस है, तो आप लोगों की जो रेंज है वो यहाँ से 60-70 के बीच में जा सकती है। इवन मैं तो 60 भी प्रमोट करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम 100% श्योर नहीं होते, तो वहां पे पूछा जाता है कि सर मैं इसमें मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है ए बी सी डी, तो मैं बी और सी के बीच में कंफ्यूज हूँ, ए तो मेरे को पता है नहीं है, डी तो मेरे को पता है नहीं है, लेकिन बी और सी में से एक हो सकता है, दैट इज 50-50% वाले। तो 50-50 वाले जो क्वेश्चन है उनको आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं है कि अगर मान लो 70 क्वेश्चन 50-50 वाले, तो थोड़ा सा संख्या कम कर लो,
लेकिन 50-50 वाले जो सवाल हैं उनको आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर 300-400 क्वेश्चन सही होंगे, अगर एक दो गलत भी हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं करेंगे। लेकिन जब आपको 0% ही पता है और फिर भी आप टिक करें, तो आप ऐसा मान लो कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप अपने आप को नेगेटिव में लेके जा रहे हो। क्लियर, कहानी समझ आ रही नहीं आ रही? डन। तो हम लोगों ने जब भी हमारा पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। एक और सजेशन सुनो, जब मान लीजिए, ये तो चलो अलग अलग चीजें बात करो, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आया, उसने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, बोलेगा कि टाइम के बाद ही खोलना, कुछ लोग तो ऐसे उठा उठा के देख रहे होते हैं अंदर से, कुछ नहीं करना है। जैसे उन्होंने कहा खोल दो, पेपर खोला, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही पेपर ओपन किया कुछ नहीं देखेंगे, वो क्वेश्चन नंबर वन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर वन को पढ़ेंगे और वहीं से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, वहीं से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, वो पेपर को देखेंगे भी नहीं कि कैसे। ये गलती नहीं करनी, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हम ना जिस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसकी उसको उसका जो शौक है उसको हमें अब्सॉर्व करना बड़ा जरूरी होता है। तो जैसे पेपर आता है तो पेपर को पहले एक बार स्कैन कर लो, नजर मार लो, पेपर को घुमा के देख लो, तो आपको ना पढ़ाई की होगी तो आपको देख के पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है, कि पेपर मुश्किल है आसान है। और काफी क्वेश्चन आपको ऐसे दिख जाएंगे जो आपको देख के लगेगा यार ये तो ईजी है, तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो आपको देख के क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन या पेपर जो है वो कैसा है। तो वो थोड़ा थोड़ा जो एग्जाम का शौक है उसको आप लोगों को एब्जॉर्व करने में मदद करेगा, पहली बात। और दूसरा, आप उन क्वेश्चंस को भी लोकेट कर लोगे जो आपको आते होंगे, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि नहीं नहीं ठीक है पेपर मैं कर लूंगा इसको अटेम्प्ट। अगर आपने ये वाला काम किया, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व किया नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व किया नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व किया नहीं हुआ, फोर सॉल्व किया नहीं हुआ, पहला पेज खत्म हो गया, चार क्वेश्चन नहीं हुए, तो फिर सोचो, चाहे उसके बाद तुम्हें 96 आते हो, लेकिन वो जो वही है ना कि रण जो है उसमें हमेशा से ही जो जो कॉन्फिडेंस है वो रण में हमेशा बरकरार रहना चाहिए, राइट फ्रॉम डे वन या राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। क्लियर? तो आप लोग जो भी छोटी छोटी चीजों को जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इन चीजों को जो आप लोगों ने मद्देनजर रखना है, समझ आई कहानी की? नहीं तो एक बार पेपर को नजर मार लो, जो अगर वैसे तो ये भी रहता है कि जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट कर लो, तो थोड़ा और ज्यादा आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस रहता है। अगला काम, सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेरे को परफेक्टली आता है, पूरा आता है, इसको मैंने टिक कर दिया, इसका आंसर आ गया मान लो बी। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओएमआर खोलनी है और ओएमआर के ऊपर बी आंसर टाइम मार्क कर देना है क्वेश्चन नंबर वन के सामने। गलती यहां पे करने के चांसेस कम होंगे। होता क्या है कि जब हम लोग पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं फिर एंड में ओएमआर भर रहे होते हैं, तो गलती होने की संभावना रहती है। अगर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर सोच लो कि सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे और यह मिटाने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को कहानी की? नहीं आ रही? क्लियर है? तो आप लोगों ने साथ साथ काम करना है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसमें आप 50-50 श्योर हो, 50-50 श्योर हो आप इसमें, 100% नहीं हो, तो अब इसको अटेम्प्ट मत करो, बस लिख दो इसके सामने 50-50 या इसके सामने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दो कि इसको मैंने सॉल्व करना है, कुछ भी मार्क कर दो, स्टार लगा दो, जो आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, बिल्कुल नहीं आता है, पता ही नहीं है क्या है, क्रॉस कर दो। मतलब जब आप सेकेंड टाइम क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे तब आप इसके ऊपर जो ज्यादा फोकस नहीं करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से जो फर्स्ट गो है, सबसे पहले वही सवाल करने चाहिए जिनमें हम लोग 100% श्योर हैं। और ध्यान रखना, जिन सवालों के ऊपर हम लोग 100% श्योर होते हैं वो नॉर्मली 40-50 हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, इनमें भी एक दो गलत होने की जो है संभावनाएं जरूर होती है, साइंस में उसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्लियर? तो 40-50 अगर आप फर्स्ट गो में कर लोगे और उसके बाद सेकंड गो में आप 20-30 भी कर लोगे, अगर थोड़ा इजी पेपर होगा, तब भी आप लोगों के लिए जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप लोग शायद चांसेस जो है आपके अच्छे होंगे। पर अगेन वही वाली बात आती है कि जो मैं 100% मान रहा हूँ क्या वो सच में 100% है? नहीं, वो आपकी तैयारी पे डिपेंडेंट होगा। तभी आप लोगों ने जितनी प्रिपरेशन की है आप उस प्रिपरेशन को 100% इस एग्जाम में जो असेस कर पाओगे। समझ आएगा नहीं? ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड दो राउंड में पढ़ना होता है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड। फिर कुछ लोगों के मन में लालच भी आता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि तीसरा राउंड भी लगा देते हैं कि चलो अब नहीं आए हैं तो अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, तो करके फिर वो अपनी अक्कड़ बक्कड़ हो जाती है बाद। तो आपने छोटी चीजों को ध्यान रखना है, जिसमें 0% श्योरिटी है काट दो उसको, उसको मत देखो। पर ध्यान रखो 0% श्योरिटी या किसी क्वेश्चन को क्रॉस तभी करो जब आप श्योर हो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि डोंट लूज योर होप ऑन एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आसान हो सकता है, शायद एक ही स्टेटमेंट जब उसका आंसर डिसाइड करे। क्लियर? समझ आ रही कहानी? अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, देखो जैसे ये था, एक क्वेश्चन आया था कांगड़ा के बारे में, संसार चंद डाइड इन 1825। मान लो नहीं पता है, नहीं पता है जी मेरे को जो है वो जो संसार चंद है वो इन्वेडेड बिलासपुर, मेरे को नहीं पता। 1844 सिख जनरल
जोरावर सिंह जो है दैट एनेक्स द टेरिटरी ऑफ लाहौल स्पीति टू सिक्स स्टेट, क्लियर। अब देखिए यहां पे आप एक चीज को समझिए, ये भी मान लीजिए मेरे को नहीं पता 1809 में रणजीत सिंह जो है उन्होंने कांगड़ा का किला ले लिया हुआ है, ये स्टेटमेंट मेरे को पता है, मान लो ये स्टेटमेंट पता है और मेरे को पता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकियों का मेरे को कुछ नहीं पता तीनों स्टेटमेंट्स का। तो अगर मैं पहली तीन स्टेटमेंट्स को पढ़ते ही इस क्वेश्चन को छोड़ देता तो शायद मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाता, लेकिन मैं चौथी स्टेटमेंट में श्योर हूं कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो अब देखो यहां पे चौथा ऑप्शन नहीं है, यहां पे चौथा ऑप्शन नहीं है, यहां पे चौथा ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज योर डी ऑप्शन। तो डी आंसर होगा क्योंकि मेरे को एक तो 100% श्योर था मैं कि जी 1809 में कब्जा किया था। तो ऐसे में बस एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, तो आप लोग जो है वो अपने हमेशा जो है वो छोटी छोटी चीजों को जब वो ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन पे होप लूज नहीं करनी, एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्रिक होता है, टैक्ट्स होते हैं अपने, क्लियर। यहां पे कहानी समझ आ रही है, वैसे तो चलो ये तीसरे से भी निकल जाना था, ये जो तीसरा ये भी निकल जाना था, पर चलो छोड़ो बाकी चीजें क्योंकि ये तो नॉलेज अलग अलग डिपेंडेंट है, बस मेरा एग्जांपल था आप लोगों को। और सुनो जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, एक और सजेशन मेरी, बहुत लंबा सेशन हो गया, मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा लूंगा, लेकिन सुन लो अब प्रवचन, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपने देखो क्या ध्यान रखना है, पूरा पेपर आपका पेन से पेंसिल से जो है वो मार्क होना चाहिए। संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825, ठीक है जी, तो पता होना चाहिए आपको सही है गलत है, साथ में मार्क करो, सही है गलत है साथ में मार्क करो, पूरे को ना सर्कल करते रहो ताकि आप रीड करो प्रॉपरली, और साथ में अगेन वही है सही और गलत जो है उसको, और साथ में जो भी इनकी डायरेक्शंस ऊपर दी हुई थी, इनकी डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन है करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, आप उसके अकॉर्डिंगली जो अपना आंसर मार्क करो। तो पूरे का पूरा पेपर जो आपका ऐसा होना चाहिए कि अच्छा ठीक है जी बिलासपुर जी नहीं है या है, जो भी है जो भी इसका आंसर, समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही, क्लियर। तो ऐसे जो है वो अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझ आ गई कहानी, हाउ टू अटेम्प्ट योर प्रीलिम्स पेपर, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कितने मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और ध्यान रखिए आपने जब एग्जाम में जाओगे तो अपने सिली मिस्टेक्स को जो है वो अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक्स का मेरा मतलब वही था जो मैं जो थोड़ी देर पहले भी जिसका जिक्र कर चुका हूं कि आप लोगों ने जो है वो ह्यूमन एरर्स जो है वो बिल्कुल एलिमिनेट कर देने हैं, ओएमआर को साथ साथ भरना है, बाद में ओएमआर को भरने के लिए नहीं रखना है क्योंकि कभी कभी लास्ट के 10 मिनट में ओएमआर को अगर भरना पड़े तो थोड़ा वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो जो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको 24 घंटे में रखने की बात कर रहा हूँ, वही पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस जो है वो आप लोग एग्जामिनेशन के दौरान भी रखोगे। कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि जीएस आपका बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जीएस आपका उतना ही हुआ है जितना आपने प्रिपरेशन की हुई थी, क्लियर। जीएस आपने उतना ही अच्छा करके आओगे जितनी आपकी तैयारी होगी, ठीक है। तो जीएस पेपर के बाद हताश नहीं होना है कि सी सैट जो है वो उसमें डमाडोल हो गया काम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेपर मुश्किल होता है, एग्जाम में हम एसेस नहीं कर पाते, हमें कॉन्फिडेंस कम होता है, बाहर आके जब हम आंसर्स देखते हैं तो हमारे नंबर अच्छे बन जाते हैं, तो इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। तो सी सेट अगर मैंने लो कॉन्फिडेंस में लिखा होगा शायद सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा, जीएस के नंबर क्वालिफाई कर रहे होंगे तो वो भी डिटरीमेंटल है, मेंस तो फिर भी नहीं लिख पाओगे। तो आपने हर एक रन जो है उसमें जैसे ही खत्म होगा आपका पेपर पहला, आपने सोचना है कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किसी को नहीं बोलना कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, बोला बहुत बढ़िया हो आग लगा दी मैंने, ठीक है वो बाद में पता लगेगा, लेकिन उस टाइम आपने लगा दी आग इन द सेंस पॉजिटिव सेंस। 2 घंटे हैं बीच में 12 से लेके 2 बजे के बीच में, ठीक है 12 से 2 के बीच में जो है वो 2 घंटे हैं। अब देखो वहां पे क्या गलती करते हैं लोग, इन 12 से 2 में कहीं कभी कभी घूमते घूमते पता नहीं कहां चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, क्लियर। तो अगेन जो आपने सुबह काम किया था वही काम यहां पे करना है, एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास ही रहना, और जो अपने पेन पेंसिल जो भी लेके आए हो अगर उसमें रिफिल की जरूरत है, कुछ भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो दिमाग में आपने रखना है, पानी की बोतलें भर लो, जो खाना लेके आए हो या आसपास दुकानें वगैरह हैं उनमें खाना खा लो, थोड़ा लाइट फूड जो है वो उसको कंज्यूम करो, क्लियर। फ्रूट्स वगैरह ले जाओ अपने साथ, फ्रूट्स वगैरह जो वो खाते रहो साथ में, क्लियर। तो 12 से 2 के बीच में भी अगेन दौड़ना भागना या पेपर जो हो गया उसके बारे में डिस्कस मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन किए हो दूसरे ने भी किए हो उसके अकॉर्डिंगली आपके गलत हो, आपके अकॉर्डिंगली उसके गलत हो, और दोनों टेंशन में हो जाओ और सी साइड में अच्छा ना करो। तो हमने जो 12 से 2 का टाइम है इसको भी वैसे ही रखना है जैसे हमने सुबह का टाइम रखा था, कोई पेपर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है, मेरे को पता है हम लोग भी जब कॉलेज स्कूल में उसमें पेपर ऊपर दे रहे होते थे तब हमें भी हमारा भी ऐसा ऐसा नेचर जो था वो रहता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, वो बेवकूफी होती है। पेपर को छोड़ो, बात करो एक दूसरे से, यार इतने टाइम में मिले से पता नहीं कब मिलोगे, फिर अगर मेंस लिख रहे होंगे तो फिर 1-1.5-2 महीने जो है वो व्यस्त हो जाओगे, बिजी हो जाओगे, क्लियर। तो छोटी छोटी चीजें जो है आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी, तो हमेशा सिली मिस्टेक कभी कभी आपको कॉस्ट कर सकती है आपका एक साल। तो आपको एटलीस्ट एग्जाम मान लो नहीं क्लियर हुआ, नहीं कट ऑफ आप क्लियर कर पाए, लेकिन आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं शायद वो क्वेश्चन पढ़ लेता ढंग से, या मैं ओएमआर पे ढंग से मार्क कर लेता,
या मेरा सर घूम रहा था, मैंने बड़ा ज़्यादा खा लिया था, अगर मैं नहीं खाता या मैं दोस्त से डिस्कस ना करता जिसके कारण मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, अगर वो ना करता तो मैं ऐसा कर लेता, ऐसा नहीं होना चाहिए फिर। अगर ऐसा हो कि जी ठीक है नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन मैंने अपना 100% दिया, दैट इज द एटीट्यूड। क्योंकि जो ऐसे सोचता है वो सक्सेस जरूर लेके आता है, क्योंकि वो प्लान करता है, वो अपनी कमियों पर देखता है और पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें हमेशा रहता है। और ध्यान रखना ये तो एग्जाम है ना सिर्फ, अल्टीमेटली जब आप पूरी एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे होंगे तो वहां पे खुद सोचोगे आपको कितना प्रेशर होगा, तो वहां पे भी आपको इसी एटीट्यूड इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि ठीक है कुछ नहीं होता जी मैं हूं। यहाँ पे तो सिर्फ आपने खुद को संभालना है, तो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी है, तो आप लोगों को ये भी सोचना है कि आप प्रेशर और इन छोटी चीजों में नहीं आ सकते। हो रहा है, नॉर्मल है, नेचुरल है, डिस्ट्रैक्ट करो, डिस्ट्रैक्शन इज द ओनली वे। जब आप यहाँ से चीजों थोड़ा टीवी देख लो, घूम लो, बात कर लो, रिलैक्स करो, सब चीजों को जो है उस तरीके से ऑब्जर्व करो, क्लियर। और नेक्स्ट है ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, जो हमेशा इन एग्जाम्स की टैगलाइन रही है। ये सोच के मत जाओ कि पेपर बहुत आसान जाएगा, ये सोच के जाओ कि पेपर जो है वो कैसा भी आ सकता है, मैंने तैयारी की है, मैंने बस अपने अकॉर्डिंगली 100% देना है, जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। और पेपर अगर अनएक्सपेक्टेड भी आ जाए तो वहां पे थोड़ा फंबल नहीं करना, कोई यार ये तो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने कवर नहीं किया, कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि पेपर आपके हाथ में आ चुका है। तो अगर ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आपने सोचना है तो नेचुरल है क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। नॉर्मली 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो ऐसे होते हैं जो करना मुश्किल होता है, सच में मुश्किल होता है। वहां पे लोग कैलकुलेशन से या थोड़ा एक आधी चीजें पता होती है उनके बेसिस के ऊपर गैस करते हैं, कहीं के सही हो जाते हैं, कहीं के गलत हो जाते हैं, लेकिन 20-22 क्वेश्चन करना सच में मुश्किल होता है। तो वो 20-22 हो सकता है पहले 20-22, या 20-22 हो सकता है 5-2 के बाद, फिर 5-2 के बाद, फिर 5, तो 15-20 क्वेश्चनों में आपको लगे ओ यार ये तो 4 ही क्वेश्चन किए मैंने, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर, कहानी समझ आई नहीं है? ठीक है, तो आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपने फिर 10 को, अब ऐसा भी नहीं है कि पेपर आपने देखा अनएक्सपेक्टेड एरिया से आया है और आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऑप्शन या एलिमिनेशन से जो है वो भी हमारे आंसर्स निकलते हैं, कभी कभी एलिमिनेशन से भी हमारे आंसर्स निकलते हैं। समझ आई कहानी की नहीं है? ठीक है, तो इस एग्जाम में इसी चीज के साथ जाओ कि कुछ भी होगा कोई टेंशन नहीं है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने जो है वो 200 में से मैक्सिमम नंबर लेने हैं, हमने 200 में से मैक्सिमम नंबर नहीं लेने हैं। हमने 200 में से कितने नंबर लेने हैं? हमने 200 में से मिनिमम नंबर लेने हैं जो कि कट ऑफ को क्लियर करवा सके। तो किसी के अगर 140 हैं और किसी के अगर 108 हैं तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये भी मेंस में जा रहा होगा और दूसरा भी मेंस में जा रहा होगा, तो हमें मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, दैट्स इट। और 108 का मतलब क्या है? 108 का मतलब है तुम्हारा 55% के आसपास। क्लियर, डन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप, या काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो नॉर्मल है, पैनिक एग्जाम में भी नहीं करना है। तो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड बी पॉजिटिव, वो थ्रू आउट द एग्जाम आपका रहेगा, और मैं आपको उस एटीट्यूड को एग्जाम के बाद भी कैरी करने को बोलूंगा। एग्जाम के बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे पेपर आता है 2-3 महीने हम जो है वो एक्टिव हो जाते हैं ऐसे पेपर के लिए, फिर हमें डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि वो क्लियर नहीं हुआ। ये पेपर जो है इसमें बहुत मेहनत लगती है, जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं आप देख लो उनकी जर्नी क्या है, क्योंकि जैसे है ना जब भी हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो वो कहते हैं कि सर अब तो फीलिंग आनी बंद हो गई, क्योंकि उनकी जर्नी बहुत हार्ड थी, तो टाइम लगता है चीजों में। लेकिन ध्यान रखना जिसने कंसिस्टेंट एफर्ट किया है, एक ऐसा टाइम आया जब इंसान का एक भी पेपर नहीं निकल रहा था, और इस साल ऐसा टाइम आया जहां पे कोई ऐसा पेपर नहीं है हमारा, चाहे फॉरेस्ट की बात करो चाहे NOMHS की बात करो, जो उसका नहीं निकला है, तो ऐसे लोग जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आपने बस एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है, और हमेशा जो गलतियां करोगे, जो सीखोगे, जो ऑब्जर्व करोगे आगे, उनको इम्प्रूव करना है। जो इंसान एक गलती को बार बार दोहराता है वो कभी ग्रो नहीं कर पाता, जो इंसान गलतियां करके रियलाइज करता है, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, वो हमेशा सक्सेस को जो है वो प्राप्त करता है। और ध्यान रखिए ये एक पेपर ही है, ये तुम्हारी जिंदगी का कोई प्रश्न नहीं है। नो डाउट नौकरी का एक प्रश्न जरूर है, लेकिन लाइफ नहीं है तुम्हारी। क्लियर, जो कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी गलतियों के ऊपर काम करना, ये तुम्हें जिस भी फील्ड में जाओगे या जिस भी फील्ड में तुम लोग हो, अगर तुम इन चीजों को फॉलो करोगे तो उसमें भी तुम्हारी मदद करेगा। तो आप लोगों ने हमेशा इन छोटे छोटे पॉइंट जो हैं उनको जो है वो ध्यान में रखना है। और लास्ट में मैं आप सब लोगों को कहूंगा बेस्ट ऑफ लक, आप सब लोगों को जो है वो भगवान इतनी शक्ति दे कि आप लोग अपना जो 100% है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारे सेलेक्ट हो, मैं कहूंगा कि जो आपका 100% है वो आप इस पेपर में देके आओ, और मेरे को पता है कि आप लोग 100% देके आओगे। तो समय है रिलैक्स करने का, टेंशन स्ट्रेस नॉर्मल है, एक्नॉलेज करो कि हो सकती है, लेकिन उसे वे आउट बाहर निकालो, पॉजिटिव रहो, टेंशन मत लो, छोटी छोटी चीज़ें
जो है वो उनको अवॉइड करो कि आप किसी भी तरह की गलती ना करो। तो चलिए इसी के साथ सेशन जो है वो मैं कंक्लूड करता हूँ और मिलेंगे आप लोगों से, अब तो मिलते ही रहेंगे। चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।